हेलो दोस्तों, राकेश आर्या इस वीडियो में आपका स्वागत है। जैसा कि हम बात कर रहे थे अपनी पिछली वीडियो में कंप्यूटर हार्डवेयर पार्ट प्रिंटर के बारे में, और हमने जाना आपने इंपैक्ट प्रिंटर के बारे में कि इंपैक्ट प्रिंटर क्या होते हैं तथा इसके अंदर कौन कौन से प्रिंटर आते हैं। तो आज हम इस वीडियो में उससे आगे नॉन इंपैक्ट प्रिंटर के बारे में जानेंगे। यदि आप भी जानना चाहते हैं प्रिंटर के बारे में तो इस वीडियो को पूरा देखिए। इसी तरह की महत्वपूर्ण जानकारी तथा कंप्यूटर शिक्षा के लिए मेरे चैनल राकेश आर्या इस वीडियो को सब्सक्राइब करें तथा बेल बटन दबाएं, जिससे कि मेरी नई वीडियो की जानकारी आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, हम आपको अपनी पिछली वीडियो में इंपैक्ट प्रिंटर के बारे में जानकारी दे चुके हैं। आज हम बात करेंगे नॉन इंपैक्ट प्रिंटर के बारे में कि नॉन इंपैक्ट प्रिंटर क्या है तथा यह कैसे काम करता है। नॉन इंपैक्ट प्रिंटर की विशेषता है कि इसकी काम करने की प्रक्रिया काफी शांत होती है, क्योंकि प्रिंट हेड कार्टेज और पेपर के बीच भौतिक संपर्क स्थापित नहीं होता। आमतौर पर यह टेक्नोलॉजी मॉडर्न और पर्सनल होम बेस्ड में उपयोग की जाती है। यह टेक्नोलॉजी मोनोक्रोम और कलर दोनों में प्रिंट कर सकती है। इस तरह का प्रिंटर आउटपुट बड़े ही अच्छे देते हैं और प्रिंट भी अच्छा निकलता है तथा इन प्रिंटों की स्पीड भी काफी तेज होती है। नॉन इंपैक्ट प्रिंटर के उदाहरण इस प्रकार, पहला है इसमें इंकजेट। इंकजेट प्रिंटर घर और छोटे पैमाने के ऑफिस के लिए सबसे लोकप्रिय प्रिंटर है, क्योंकि यह बहुत कम लागत तथा प्रिंटिंग की अच्छी क्वालिटी के साथ मिल जाती है। इंकजेट प्रिंटर एक इलेक्ट्रिकल फील्ड के माध्यम से छोटे नॉजल से इंक को स्प्रे करते हैं, जो चार इंक पार्टिकल्स को कैरेक्टर के रूप में अरेंज करता है। इनकी स्पीड आमतौर पर 250 कैरेक्टर पर सेकंड होती है। सही कागज द्वारा सोख ली जाती है तथा तुरंत सूख जाती है। इन प्रिंटरों में चार प्राइमरी कलरों का प्रयोग अन्य सभी कलरों को बनाने के लिए किया जाता है। एक इंकजेट प्रिंटर 300 से अधिक डीपीआई या तब डॉट्स पर इंच के रेजोल्यूशन के साथ प्रिंट कर सकता है तथा कुछ अच्छी क्वालिटी के इंकजेट प्रिंटर 600 डीपीआई पर पूरे कलर की प्रिंटिंग करने में सक्षम होते हैं। दूसरा है लेजर प्रिंटर। लेजर प्रिंटर एक फोटोकॉपी मशीन की तरह काम करता है। लेजर प्रिंटर मिरर पर एक लेजर बीम डायरेक्ट करके पेपर पर इमेज प्रोड्यूस करता है, जो बीम को ड्रम पर बाउंस करता है। ड्रम पर एक विशेष कोटिंग होती है, जिससे टोनर यानी इंक पाउडर चिपक जाता है। छोटे डॉट्स के पैटर्न का उपयोग करके न्यूट्रलाइज होने के लिए एक लेजर बीम कंप्यूटर पर इंफॉर्मेशन को पॉजिटिव डिस्चार्ज ड्रम तक पहुंचाता है। ड्रम के सभी एरिया को न्यूट्रलाइज हो जाते हैं, जिससे टोनर अलग हो जाता है। क्योंकि पेपर ड्रम द्वारा रोल करता है, तो टोनर पेपर करेक्टर या इमेज को पेपर पर ट्रांसफर कर देता है। लेजर प्रिंटर की स्पीड अधिक होती है और वे अधिक शोर भी नहीं करते तथा यह प्रिंटर 8 पेज प्रति प्रिंट कर सकते हैं। तीसरा है थर्मल प्रिंटर। यह प्रिंटर आमतौर पर बिजनेस या दुकानों में उपयोग किए जाते हैं। परंपरागत रूप से यह एक विशेष प्रकार के हीट सेंसिटिव कागज का उपयोग करते हैं। इनमें हीट उत्पन्न होती है, जो हीट संवेदनशील कागज के साथ प्रतिक्रिया करती है और थर्मल प्रिंट हेड की मदद से इमेज को शीट पर ट्रांसफर कर देती है। नई मशीनों में एक फ्लेक्सी मटेरियल के साथ रिबन प्रिंटर कार्टेज स्टोर की जाती है। जब प्रिंट की कमांड दी जाती है, तब हेड वैक्स मटेरियल को पिघला देती है और कागज पर प्रिंट प्राप्त हो जाता है। चौथा है LCD या LED प्रिंटर। ये प्रिंटर लेजर प्रिंटर की तरह ही काम करते हैं, हालांकि ये प्रिंटर प्रिंटिंग के लिए तरल प्रिंट या लाइट उत्सर्जक डायोड का उपयोग करते हैं। कई बार इन्हें लेजर प्रिंटर की श्रेणी में भी रखा जा सकता है। फिर भी ये इलेक्ट्रॉनिक इमेज की फोटो रिसेप्टर में ट्रांसफर करने के लिए लेजर प्रिंटर की तरह लेजर बीम का उपयोग नहीं करते। पांचवा है प्लॉटर। ये प्रिंटर बड़े पैमाने पर ड्राइंग को प्रिंट करने के लिए अपनी एफिशिएंसी के लिए जाने जाते हैं। ये मुख्य रूप से इंजीनियरिंग ड्राइंग तथा ब्लू प्रिंट के लिए उपयोग किए जाते हैं। हालांकि इसे प्रिंटर की एक अलग श्रेणी में रखा जा सकता है, फिर भी इसे ज्यादातर प्रिंटर के रूप में परिभाषित किया जाता है। अन्य प्रिंटर की तुलना में मुख्य अंतर यह है कि यह पेन का उपयोग करके लाइन ड्रॉ करता है। छठा है मल्टी फंक्शन प्रिंटर। यह प्रिंटर का लास्ट लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंटर है। इन्हें ऑल इन वन प्रिंटर भी कहा जा सकता है। आप इन प्रिंटरों को
सभी कैटेगरी के रूप में वर्गीकृत कर सकते हैं, इंसिडेंट और लेजर दोनों कैटेगरी में। इंकजेट तथा लेजर प्रिंटर की हाई डिमांड के कारण वे एक अलग कैटेगरी में आते हैं। जब मल्टीपल फंक्शन प्रिंटर पहले मार्केट में आए थे तो इनकी कीमत बहुत अधिक थी, लेकिन हाल ही में आप उन्हें 10,000 रुपए में खरीद सकते हैं, जो कि बहुत अच्छा है। बेशक यह बेशक सस्ते मॉडल इंकजेट प्रिंटर है। दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपको हमारा यह प्रिंटर क्या है और उसके प्रकार पर यह वीडियो पसंद आया है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन दबाएं, जिससे कि मेरी नई वीडियो की जानकारी आपको सबसे पहले मिले।